जादुई सोने की गाय। सुंदरवन गांव में गोलू आलू अपनी पत्नी सुनहरी आलू के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी सुनहरी आलू बहुत बीमार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। सुनो सुनहरी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लाने, तुम दवाई ले लेना और खाना भी खा लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। गोलू आलू जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है, तभी देखता है, अरे अरे ये क्या, ये तो एक छोटा सा बछड़ा खड्डे में गिर गया और ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं इसको निकालने में समय लगा लूंगा तो मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा, पर गाय को भी चिल्लाता हुआ नहीं देख सकता, मुझे मदद करनी होगी। फिर गोलू आलू जाकर गाय के बच्चे को खड्डे से निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियां काट पाता है। आज तो बहुत थोड़ी सी ही लकड़ियां कटी है, पता नहीं गुजारा कैसे होगा। आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियां लाए हैं क्या? वो गाय का बच्चा खड्डे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा, कब हम भी दो वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है तो दोनों गेट पर जाकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना नहीं है और तुम इन दो गाय और इनके बछड़े को घर पर ले आए हो। अरे लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है, मैंने इनकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं, जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। बीमारी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है, अब ये घर बचा है इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा, कैसे हम इन दो गायों और इसके बछड़े को पालेंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा, कल की क्यों सोचती हो, ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ कुछ खाने को है तो खाना खा ले। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था वही दोनों खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी, थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। गोलू आलू दूध निकालने चला जाता है, वो देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर आकर सुनहरी आलू को दिखाता है। ये देखो सुनहरी, ये दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है यही गरम कर लो। अरे सुनती हो, जल्दी आओ, ये देखो। अरे ये तो सोना है, ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो तुम, और अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाती हैं। हे गाय माता, तुम्हारे दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी काफी मदद होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी ये देखो सोने का गोबर, लगता है भगवान हम पर बहुत मेहरबान हो गया है, तभी ये गाय भेजी है। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। ऊपर वाले ने जो हमारी मदद की है अब हमें उसका फायदा लेना चाहिए, कल तुम तैयार रहना, हम शहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। सच में अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर गोलू आलू सुनहरी आलू का इलाज करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनती हो,
मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अब हमारे पास कुछ पैसे हो गए हैं, क्यों ना हमने पुश्तैनी जायदाद जो जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे छुड़वा लें। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। फिर अगले दिन गोलू आलू जमींदार के घर जाता है। हाँ हाँ, राम राम गोलू आलू, आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ यहाँ? बीवी ठीक है तुम्हारी? हाँ सब कुछ ठीक है आपकी दुआ से। मैंने आपके पास हमारी पुश्तैनी जमीन और जायदाद गिरवी रखी थी, उसका जो हिसाब हुआ है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। गोलू आलू के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे हाँ गोलू भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे एक दो दिन का समय दीजिए, मैं हिसाब किताब करके आपको बता दूंगा। फिर गोलू आलू अपने घर चला जाता है। राजू, अरे ओ राजू बैंगन, जल्दी धरा। जी मालिक। सुन, तू मुझे कल तक पता लगा कर बताएगा कि गोलू आलू के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए। हाँ जी मालिक, मैं पता लगाता हूँ। फिर राजू बैंगन गोलू आलू के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है और फिर सारी बात आकर वो जमींदार को बताता है। और अगले दिन, गोलू भाई मैंने बहुत सोचा, लेकिन तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी गाय देनी होगी। मगर आपने तो कहा था आप मुझे कल पैसे बता देंगे, अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? अब देख लो गोलू, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे भी तुम्हारी गाय ही चाहिए। गोलू आलू घर आकर सारी बात सुनहरी आलू को बताता है। दे दो गाय, हमारे पास तो फिर भी गाय रहेगी ही, अगर जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पुरखों को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर देता हूँ, मन तो नहीं कर रहा पर कोई चारा भी तो नहीं है। अगले दिन गोलू आलू उस जमींदार को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब इसके गोबर से जो सोना मिलेगा मैं उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह, अरे इसका गोबर कहाँ है, क्या इसने पूरी रात गोबर नहीं किया? मालिक पूरी रात से ध्यान रख रहा हूँ, इसने गोबर ही नहीं किया। अरे बेवकूफ, तुमने गाय को ठीक से खाना खिलाया था भी नहीं, और खिलाओ खाना गाय को, खूब सारा खाना खिलाना। फिर सारे नौकर मिलकर गाय को खूब सारा खाना खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। राजू तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझे पहले ही लग रहा था कि गाय भी कभी सोने का गोबर करती है। तुम गोलू आलू को बुला कर लाओ। हाँ ठीक है मालिक। गोलू आलू तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मुझे बीमार गाय दी है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, तुम मुझे मेरे पैसे दे दो वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अरे नहीं जमींदार साहब, मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। फिर गोलू आलू गाय को अपने पास ले आता है और गाय गोलू आलू के पास आते ही ठीक हो जाती है। हे गाय माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही एक गाय बहुत सारा गोबर कर देती है और दूसरी गाय के थनों से बहुत सारा सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता। हाँ गौ माता, आप दोनों की वजह से मैं अब अपने पूर्वजों की जमीन को छुड़वा पाऊंगा। और अगले दिन जाकर गोलू आलू जमींदार को उसके पैसे दे आता है और फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।
हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।